कि कुछ इनसे वार्ता कर लूँ। आप एक बार यहाँ चाय ज़रूर पिए, गुड लक टी स्टॉल पे आएँ। ये हैं महेंद्र प्रताप जी और बहुत अच्छा चाय बनाते हैं, एक बार ज़रूर पिए। ठीक बीड़ा चौक के बगल में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे इनकी दुकानें मिलेगी। हमारी माताएं बहने हैं जो सरजू गंगा मैया को जाएंगी वहाँ। मोदी जी ने हम सब लोगों को रोड पर ले आए, हमारी दुकानें सड़कें सब चली गई। अब क्या सत्य है क्या असत्य है इस विषय में तो हम साधु संत आदमी क्या बता सकते हैं। जी जी, जैसे कुछ लोगों से मिले हैं तो क्या इस पे कुछ टिप्पणी चल रही है नहीं चल रही है? बहुत से लोग करने वाले हैं, देखो ये तो राजनीति का। अभी तक एक भी गुजराती से आपकी मुलाकात हुई? लोग कमेंट कर रहे हैं कि सिर्फ गुजराती भरे हैं अयोध्या में। हमें तो गुजराती नहीं मिले हैं जी, लेकिन गुजराती मिले हैं तो दर्शन के माध्यम से मिले हैं, और बाकी रोजगार करते हुए तो कोई गुजराती नहीं मिला। यहाँ तो सभी कंट्री के लोग आ रहे हैं, सभी कंट्री के लोग आ रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। क्या करते हो बेटा? ए बेटा क्या करते हो बेटा? चंदन लगाते हो? कित पढ़ते नहीं हो? पढ़ते क्यों नहीं? पढ़ोगे नहीं तो कब तक चंदन लगाओगे? पढ़ना चाहिए ना बेटा, पढ़ो लिखो। कब तक ऐसे घूमोगे फिरोगे बताओ, पढ़ाई करो। तो क्या नाम पड़ेगा बेटा? नाम बताओ, पूरा नाम बताओ। अच्छा, पूरा नाम नहीं बताना चाहता है, कोई बात नहीं। अब भैया आपका नाम क्या पड़ेगा? सर मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है। चाय पिलाएंगे? जी बिल्कुल पिलाएंगे। पैसा नहीं है? कोई बात नहीं, पी लो। मैंने आपका दिल देखा, एक छोटा सा बच्चा है और आपसे बोला भैया मुझे चाय पीना है, और मैं आपका जो मैंने दिल देखा बहुत बड़ा देखा। बड़ा नहीं तो बहुत, कोई छोटा सा काम है, कोई दिक्कत मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया। मैंने मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि ये चीज़ें जो बच्चे करते हैं थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन अब उसकी घर की क्या कंडीशन है उसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं कर सकता। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियो बनाकर लोगों को डांटते हैं, चूँकि घर की भी कंडीशन देखने से हम लोग उतने संपन्न नहीं हैं कि इनके घर का देख रेख कर सकते हैं। फिलहाल जो जिसके साथ जैसा हालात होता है वही जानता है। तो आपका नाम क्या पड़ेगा भाई साहब? बताया सर मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है। क्या करते हैं भाई साहब आप? सर मेरा काम एक अपना टी स्पेशल अपना बनाते हैं, चाय बनाते हैं। चाय से कितना कमाई हो जाती है दिन में? बस डेली का ऐसे 1500-1500। तो आप अयोध्या में हैं और रहने वाले कहाँ के हैं? सर मैं भरतकुंड का हूँ। कमेंट बहुत आ रहा है कि इस तरह के कमेंट बाहर जा रहे हैं कि सब गुजरातियों को ही रखा जा रहा है, यहाँ के लोगों को भगाया जा रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये सब फेक है क्या? जी बिल्कुल है, बिल्कुल जो ऐसा कर रहे हैं वो एंटी पार्टी से है सर। मेरा अपना मानना है कि सबसे ठीक है, सब फेक है। यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। हम गाड़ियाँ आती हैं स्टेशनों से, वहाँ से बाहर यात्री निकलते हैं, वहाँ से होते हुए जो भी आते हैं उतना चाप जो भी धंधे हैं, चाप परोठा जो भी है, बैटरी रिक्शे सब काम ही तो हो रहा है, रोजगारी है। कौन कहता है रोजगार नहीं बढ़ा जब से मंदिर बना है? मंदिर बनने से क्या क्या फ़ायदा हुआ है? बहुत से फायदे सर, बिजनेस दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही लाभ है। मेरा अपना मानना है बढ़िया चल रहा है, मेरा अपना चल रहा है सर, सही चल रहा है। आप मानते हैं कि देश में बेरोजगारी है? नहीं, बेरोजगार वही है जो जिसकी सोच छोटी है, छोटी सोच पैर की मोच, जो चाहता है दो पैसे कमाना वो कमा देगा, जिसको मांगना है वो मांगते मांगे जाएगी। जैसा कि मोदी जी का एक कमेंट आया था, चाय बेचना और पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, आप मानते हैं मोदी जी के बातों से खुश हैं? नहीं, उन्होंने एक बताया था कि जो नहीं पढ़ा लिखा है नहीं उसका भी उठा दी क्या, नहीं कुछ कर पा रहा है तो कर सकता है, ठीक है ना। अपनी एक सोच को बुलंद रखिए, सरकार अपना जो करी रही है लेकिन अपनी से बुलंद रखिए, अपने कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। भाई साहब पढ़े लिखे युवा हैं और चाय भी बेच रहे हैं, आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि कहते हैं कि चाय बेचेंगे, छोला बेचेंगे, चाट बेचेंगे, बेइज्जती होगी, पकौड़ा तलेंगे, बेइज्जती होगी। आपका क्या मानना है व्यक्तिगत रूप से? पढ़े लिखे भी युवा लग रहे हैं आप। सर मैंने ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, मैं DCA भी कर रहा हूँ, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जी। लेकिन मैं अपना मानना है, मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, मेरे पास बजट कम था, मैंने चाय का स्टॉल डाला जी, अच्छा रिस्पांस है, बढ़िया चल रहा है जी। और कुछ कहना चाहेंगे? अभी हम लोग अयोध्या में उसी सिलसिले में आए हैं जो नाबालिग बिटिया के साथ दुष्कर्म हुआ है, तो उसी सिलसिले में आए हैं जो आरोप लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि DNA टेस्ट होना चाहिए, तो कुछ लोग कह रहे हैं क्या से क्या बातें आ रही हैं। अभी आपने सुना होगा
जो मोहित खान का जो मैटर चल रहा है भरत कुंड में ही, अच्छा, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे उस पे? विशेष टिप्पणी नहीं है, बस यही है कि उस पे जांच होनी चाहिए और क्या। आपका क्या मानना है, सत्यता से जांच हो? जी बिल्कुल, जांच होना चाहिए। जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो बिटिया पस से आरोप लगाया गया है कि मोइन खान ने बलात्कार किया है, तो इसको लेकर आपका क्या मानना, आपके माइंड में क्या चल रहा है? लोगों के बीच नहीं चल रहा है जी, ज्यादा कुछ उसके बारे में जानकारी हमें नहीं है, बट ये है कि उसके सत्य तक जाना चाहिए, उसके तह तक जाना चाहिए, क्या कैसा मामला है, चाहे वो किसी भी धर्म का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। और इसी सिलसिले पे मैं बहुत से लोगों से वार्ता करने की कोशिश की, बहुत से लोगों का बहुत सारा कमेंट आया, कुछ लोग कुछ और बोल रहे हैं, कुछ लोग सबकी अलग अलग राय है। तो मैं इस समय ठीक सरजू गंगा मैया के बगल में हूँ, महाराज जी भी यहाँ बैठे हुए। महाराज जी कैसे हैं? बढ़िया। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आए आप? चित्रकूट से। जी, चित्रकूट से आ गए, दर्शन हुआ? हाँ। कहाँ कहाँ दर्शन किया आप? सूरज कुंड किए, राम जन्मभूमि किए, हनुमानगढ़ी किए, और भी ऐसे दशरथ महल है, कनक भवन है, इस तरह तमाम क्षेत्रों में हमने दर्शन किया। धर्म के प्रति लोगों को जागरूक किया, धर्म के प्रति आस्था लोगों पर लगाई, कई ऐसे नाना प्रकार के भक्त लोग मिले जिनसे अच्छा प्रेम व्यवहार सत्संग हुआ, भजन कीर्तन हुआ, धर्म को आगे बढ़ाते हुए चलते रहे। आपस में नया घाट पे बैठे हुए हैं। जैसे महाराज जी यहाँ जब पहुँचे हैं, यहाँ की क्या अच्छाइयाँ देखा आपने अभी तक? यहाँ पर अच्छाइयाँ ये देखा, विकास भी देखा, लोगों की अच्छाई, लोगों के व्यापार कारोबार भी देखा, बढ़िया तरीके से विपक्ष का कहना था कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, आपका क्या मानना है महाराज जी? मोदी जी तो रोजगार दे रहे हैं भाई, करना ना करना लोगों का जिम्मेदारी है, लोगों को ऊपर डिपेंड करता है करना या ना करना। रोजगार तो हर चीज में, चाहे जैसा भी रोजगार पकड़ लेंगे वो रोजगार, ये जरूरी नहीं है कि मोदी जी सबको सरकारी नौकरी दे, लेकिन अगर करने वाले के ऊपर डिपेंड है तो घर में भी बैठकर रोजगार है और बाहर निकलेंगे तो भी रोजगार है। महाराज जी एक सवाल कर लेते हैं, आते ही आते आपने पूछा था हमसे जब बीड़ा चौक पे मुलाकात हुई थी, तो आपने एक सवाल रख दिया कि मोदी जी ने इच्छा इतना अच्छा काम किया, मंदिर बनवाया, दुख इस बात का है कि भाजपा हारी क्यों, अभी तक कुछ पता चला? देखिए, ये लोग यहाँ के लोगों का मानना है, जैसा कि कहते हैं कि कैंडिडेट कुछ खराब है, कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ गरीबों को हटा दिया, रोजगार हटा दिया, विकास के नाम पर मोदी जी ने हम सब लोगों को रोड पर ले आए, हमारी दुकानें सड़कें सब चली गई। अब क्या सत्य है क्या असत्य है इस विषय में तो हम साधु संत आदमी क्या बता सकते। जी जी, जैसे कुछ लोगों से मिले हैं तो क्या इस पे कुछ टिप्पणी चल रही है नहीं चल रही है? बहुत से लोग करने वाले हैं, देखो ये तो राजनीति का। अभी तक एक भी गुजराती से आपकी मुलाकात हुई? लोग कमेंट कर रहे हैं कि सिर्फ गुजराती भरे हैं अयोध्या में। हमें तो गुजराती नहीं मिले हैं जी, लेकिन गुजराती मिले हैं तो दर्शन के माध्यम से मिले हैं, और बाकी रोजगार करते हुए तो कोई गुजराती नहीं मिला। यहाँ तो सभी कंट्री के लोग आ रहे हैं, सभी कंट्री के लोग आ रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। चलिए महाराज, धंधा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या है कि दर्शन कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन धंधा बेसिस पे महाराज जी आप देखे होंगे तो क्या सच्चाइयाँ क्या दिखी? धंधा में ये है कि लोग बाग जैसे दुकान खोल लेते हैं यहाँ नज़दीक के क्षेत्र के आस पास के लोग यहाँ पर हैं, जैसे कि अपना अपना पेट रोटी के लिए रोजगार चला रहे हैं, धंधा चला रहे हैं, और क्या करेंगे बेचारे, यही तो रोजगार है, जहाँ दो पैसा जिसे मिलेगा वही तो रोजगारी है। थैंक यू महाराज जी, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। मैं इस समय सरजू मैया के तट पे जो जाता है, ये जगह है, मैं इसी जगह पे, हम लोग शाम को आते हैं चाय वगैरह पीने के लिए यहाँ, महाराज जी भी आए हुए थे, तो एकाएक भाई साहब से मुलाकात हो गई, तो मैंने सोचा कि कुछ इनसे वार्ता कर लूँ। आप एक बार यहाँ चाय ज़रूर पिए, गुड लक टी स्टॉल पे आएँ, ये हैं महेंद्र प्रताप जी और बहुत अच्छा चाय बनाते हैं, एक बार ज़रूर पिए। ठीक बीड़ा चौक के बगल में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे इनकी दुकानें मिलेगी। हमारी माताएं बहनें हैं जो सरजू गंगा मैया को जाएंगी, वहाँ
स्नान करेंगी और उनसे मन्नते मांगेंगी। इधर आप देख सकते हैं चारों तरफ से सर को सैनिटाइज किया जा रहा है। नज़ारा आप देख सकते हैं और मैं विराम लेना चाहूँगा। चारों तरफ से शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि जो भी वायरस होंगे, जो उनसे साइड इफेक्ट होगा, वो सारे मर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।